हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडेक्स एनालिसिस। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने काफी समय से नहीं किया है, सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अस टू डू निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं और किस तरफ जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी बन रही है गिवन द करंट सिचुएशन। तो बजट आ चुका है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम, यू नो एवरीथिंग हैज सेटल्ड डाउन एंड राइट नाउ अजम्पशन चल रहे हैं कि निफ्टी शायद ऊपर जाकर 25,000 लेवल्स को भी पार करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्पेकुलेशन है कि निफ्टी 25,000 से यू नो करेक्ट होकर नीचे की तरफ 20,000 या 20,000 के आसपास का करेक्शन दिखा सकता है। तो हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी के डायरेक्शन का, सो दैट वी कैन प्लान आर स्विंग ट्रेड्स अकॉर्डिंगली एंड वी कैन हैव अ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स आर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस और पोजिशन ट्रेडिंग पोजीशंस कि किस तरह से वो इम्पैक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ निफ्टी। तो एक स्विंग ट्रेडर के लिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। अगर निफ्टी अपने हाई से अगर 5-10% करेक्शन दिखाने वाला है एक पर्टिकुलर मंथ में, विद एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो देर इज अ क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी कि आपके स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के जो भी पोजिशन है, आपके जो ओपन पोजिशन है, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो पोजिशन है, उसमें शायद आपको थोड़ा सा ड्रॉडाउन दिखाई दे या फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं इफ यू फॉलो स्टॉप लॉस व्हेन यू डू स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आज का ये एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ रिवील करेगा इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और किस तरफ की प्रोबेबिलिटी बन रही है निफ्टी की। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल हैव अ वेरी क्विक एनालिसिस ऑफ निफ्टी ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है आने वाले महीने में, आने वाले क्वार्टर्स में। तो डाउनफॉल का प्रेडिक्शन जो है उसको हम लोग एक थोड़े वक्त के लिए साइड में रखते हैं एंड लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है और इस तरह से व्हाट आर ऑल द लेवल्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट। तो चार्ट पे यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। निफ्टी का टाइम फ्रेम जो है वो मंथली टाइम फ्रेम है, आप वीकली पर भी कर सकते हैं एनालिसिस, बट फॉर द क्लैरिटी और टू कवर मोर डेटा ऑन द स्क्रीन मैंने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है निफ्टी का। और आप देखते हैं कि निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां से एक करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई है और वो क्यों, उसको जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर गोइंग देयर, यहाँ पर आप देखोगे जो ब्लैक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ईयरली कैमरे H4 है, ठीक है। डेली कैमरे H4 के ऊपर यूजुअली लोग हाई मोमेंटम ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं, उसी तरह जो ईयरली कैमरे H4 जो है दैट एक्ट्स एज अ सेल जोन इट सेल्फ, लेकिन इसके सेल जोन का जो भी ब्रेकआउट होता है हाई मोमेंटम के साथ, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको एक अप लेवल का स्विंग या फिर हाई मोमेंटम मूव अपर डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो कैमरेला H4 यहाँ पर लगाया हुआ है, उसके नीचे एक्जैक्टली नीचे जो ब्लैक लाइन है दैट इज कैमरेला H3 और उसके नीचे की तरफ देयर इज अ लोअर लेवल दैट इज कैमरेला L3 एंड कैमरेला L4। उसी के साथ साथ ईयरली CPR भी यहाँ पर प्रेजेंट है। वन पॉइंट टू नोट राइट अवे, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं हु ट्रेड ऑन CPR डूइंग स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, उनको जानना ये बहुत जरूरी है कि ईयरली CPR यू नो इंडाइसेस में बिना टच किए ऊपर की रैली आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अंटिल देर इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, विच इज नॉट वॉट आई सी राइट नाउ कि मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। यू नो ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन एट सच, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स यू नो इज पीकिंग राइट नाउ, सो देर आर लॉट ऑफ अदर कंसर्न्स दैट वी आर सीइंग इन द इकोनॉमी एट सच। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि क्या हो सकता है आने वाले महीने में। तो कैमरेला H4 जो है यहाँ पर इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस राइट नाउ, यहाँ पर जो कैमरेला H4 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, आप देखोगे ये जो करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है या फिर एक डोजी कैंडल जो दिखाई दे रही है जिसका विक इज ग्रेटर देन द बॉडी ऑफ अ कैंडल, वो सॉर्ट ऑफ सिनेरियो आपको दिखाई देगा इन दिस मंथ ऑफ जुलाई 2024 एंड कैमरेला H4 इज राइट नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। निफ्टी अपने क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर मौजूद है एंड राइट नाउ निफ्टी का जो हाई है दैट इज एट 24,854, मतलब 25,000 का जो यू नो की लेवल है वो अभी तक निफ्टी ने टच नहीं किया है। तो यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है, कुछ ट्रैपिंग हो सकती है, एक न्यू हाई क्रिएशन या फिर एक बुल ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है जब लोगों यू नो 25 का शायद नंबर अचीव हो करके यू माइट सी अ मेजर डाउनफॉल इन निफ्टी, क्योंकि नीचे का जो CPR है दैट इज अ एक्सट्रीमली वाइड CPR, दिस CPR इज वाइडर देन द प्रीवियस ईयर के CPR से, ये CPR जो है वो वाइडिंग नेचर है और यहाँ पर से एक रिवर्सल आकर के निफ्टी में एक मेजर डाउनफॉल we might be able to see in year 2024 itself. अगर निफ्टी ईयरली CPR को सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए आता है तो निफ्टी 25,000 से अराउंड 20,000 के आसपास ट्रेड करने लगेगा, यानी अगर वो टच करने भी आए तो इलेक्शन के टाइम पे जो लो लगा था निफ्टी का दैट लो वाज अराउंड 21,281, सो 21,000 से अगेन निफ्टी ने रैली करके 24,800 का हाई अगले महीने ही लगा दिया है, लेकिन देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि 25,000 का जो मैजिक नंबर है उसको रियलाइज करके, उसको अचीव करके निफ्टी शुड सी अ डाउनफॉल प्रैक्टिकली। अगर उसको ऊपर की तरफ बढ़ते रहना है तो मार्केट के जो करेक्शन है दे आर वेरी हेल्दी करेक्शन और बहुत ही मैंडेटरी करेक्शन है, सो वी माइट सी निफ्टी कमिंग बैक डाउन ऑन द ईयरली CPR जो रेंज करता है 20,800 से लेकर के ऑल द वे डाउन टू 19,300। अगर CPR का सिर्फ टॉप लेवल रिटेस्ट हुआ
तो दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न। लेकिन अगर पूरा सीपीआर के डाउन तक अगर निफ्टी ने करेक्शन लेने की अगर ठान ली, अगर देर इज सम नेगेटिविटी इन द मार्केट, तो इवन 19,000 के रेंज को निफ्टी अचीव कर सकता है। नाउ देर इज नथिंग मच फॉर इंटरनेट ट्रेडर्स टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उससे आपका ताल्लुक है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू वरी एंड केयर अबाउट। लेकिन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो यू नो म्यूचुअल फंड्स अपने खुद के मैनेज करना चाहते हैं, निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो मैं यू नो ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप निफ्टी बीज खरीद सकते हैं SBI के या फिर निपॉन के, वेन एवर द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट एन ईयरली सीपीआर। तो इसका एल्गो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं थ्रू अ चेकमेट ट्रेडर्स एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। इफ यू पुट योर फंड्स इन देयर एंड कनेक्टेड विद द ब्रोकर बेसिकली, तो जब भी निफ्टी हर साल जब भी ट्रेड करेगी, जब भी रिटेस्ट करेगी अपने ईयरली सीपीआर को, निफ्टी जो है उसका जर्नी अपर की तरफ ऊपर की तरफ चलते आएगा। उसके मोमेंटम में फर्क आ सकता है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा इंडिया एज अ कंट्री का। सो इफ यू बिलीव इन इंडियन इकोनॉमी और अगर आपको इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज टू डू SIP। ईयरली SIP आप कर सकते हैं, एक लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच कैन बी रेंजिंग फ्रॉम एनीथिंग, लाइक आपके ईयरली सेविंग्स के ऊपर डिपेंड है, बट दिस इज द बेस्ट वे यू कुड क्रिएट यू नो एसेट इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ईयरली सीपीआर पे जब भी निफ्टी आए, व्हेन द मार्केट इज पैनिकिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग, ऑल यू हैव टू डू इज बी क्वाइट, बी काम एंड कीप इन्वेस्टिंग इनटू निफ्टी बीज। तो यहाँ पर ईयरली सीपीआर के ऊपर एवरी ईयर यू वुड सी, यहाँ इस वैल्यूएशन पे अगर लेते तो 15,000 पे SIP करते, इस वैल्यूएशन पे अराउंड 17,000 पे SIP करते, अभी अगर निफ्टी करेक्ट होगी तो आप अराउंड 20,000 to 19,000 के रेंज में कहीं पर अपने SIP को करते रहोगे। एंड इफ यू कीप डूइंग ऑट ईयर ऑन ईयर बेसिस, देन यू आर कैप्चरिंग अ मैसिव बुल रन एंड यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू नो 5, 10, 15 साल का इन्वेस्टमेंट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक कुछ ऐसे साल होंगे जिसमें आपको एक वर्जिन सीपीआर दिखाई देगा, जैसा कि ये एक वर्जिन सीपीआर है इमीडिएटली आफ्टर कोविड। सो 2020 का कोविड था, 2021 में जो ईयरली सीपीआर था दैट वाज वर्जिन इन नेचर। तो यहाँ पर निफ्टी ने, बिकॉज देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ दैट इंडिया वाज गोइंग थ्रू, एक हाई मोमेंटम के साथ नो लॉट ऑफ FIIs एंड DIIs इन्वेस्टेड इनटू निफ्टी, इसलिए ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन जो था या फिर ये पर्टिकुलर रिटेस्ट जो था दैट इज मिस्ड बाय यू नो निफ्टी एज सच। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई मैसिव टर्न अराउंड स्टोरी या फिर नेगेटिविटी मार्केट में ग्लोबल लेवल पे अगर कोई आती है, सो अगर निफ्टी एक मेजर डाउनफॉल देखती है जिस तरह का फॉल उसने 2008 में या 2020 में कोविड के टाइम पे देखा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी आकर थमेगी एट अराउंड 11,000 रुपीज के लेवल के ऊपर। ऐसा ही निफ्टी ने किया था व्हेन इट हैड अ कोविड फॉल। जब भी उसका कोविड का फॉल हुआ था तो तभी निफ्टी ने आके यहाँ पर एक वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट लिया था, और निफ्टी ने एक्जैक्टली वर्जिन सीपीआर के बॉटम के ऊपर 7,800 के आसपास का लो लगाया था। दैट इज हाउ द वर्जिन सीपीआर एंड द मैजिक वर्क्स। ये जो वर्जिन सीपीआर की स्ट्रैटेजी ईयरली सीपीआर के ऊपर, ये आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको पास में एक वर्जिन सीपीआर के लेवल को आइडेंटिफाई करना है, उस लेवल को मार्क करके रखना है, अलर्ट लगा के रखना है, एंड वेन एवर यू सी अ गुड फंडामेंटल स्टॉक कमिंग डाउन टू दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन, अदानी ग्रीन में आप जाके चेक कर लीजिए, अदानी के सारे स्टॉक जिसमें एक बैड न्यूज आने के कारण जो भी डाउनफॉल हुआ था, वो सारे डाउनफॉल जो है इवेंचुअली वेर स्टॉप एट अ वर्जिन सीपीआर। सो दैट्स हाउ वर्जिन सीपीआर वर्क्स, एंड इट्स दैट्स हाउ यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन टू दोज पर्टिकुलर फंडामेंटली ग्रेट स्टॉक्स। तो दिस इज हाउ वॉट आई फील राइट नाउ इज हैपनिंग, कि 25,000 का लेवल शायद निफ्टी अचीव कर लेगा या फिर मिस आउट कर देगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि 2024 के एंड तक माय प्रेडिक्शन इज कि डेफिनेटली निफ्टी हैज टू कम डाउन एंड टेस्ट इट्स ईयरली सीपीआर। वन अनदर रीजन आई फील सो इज बिकॉज बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हम करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग एंड लुकिंग एट ऑल द इंडाइसेस। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ थीम कैन बी फॉलोड ऑफ। बैंक निफ्टी के बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जब भी इट टेक सपोर्ट फ्रॉम द ईयरली सीपीआर। और बैंक निफ्टी ने अपने 2024 का जो सीपीआर है उसको टेस्ट करके इट इज गिविंग एन अपसाइड जर्नी। तो अगर निफ्टी में फॉल होगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज ऑल्सो टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स ईयरली सेल जोन। तो यहाँ पर जो कैमरेला H4 और कैमरेला H3 का जो ब्लैक कलर का बैंड आपको दिखाई दे रहा है, वहां से रेजिस्टेंस लेकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट हो सकती है और रेस्ट ले सकती है, एक पॉज ले सकती है एट इट्स ईयरली CPR. So that is our prediction for Nifty as well as Bank Nifty. हम लोग अगर कोई सेक्टर एनालिसिस हम करना चाहते हैं तो वी कैन स्टार्ट विद द IT सेक्टर। IT सेक्टर काफी प्रेडिक्शंस चल रहे हैं कि IT सेक्टर कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी, एंड देयर हैज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पर यह है कि IT सेक्टर ने अपने लोस को यहाँ पर टेस्ट नहीं किया है, एक वर्जिन CPR 2021 का इज ट्रेडिंग एज इज, लेकिन देर इज क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी कि यू नो IT सेक्टर जो है दैट कैन सी अ बूम, क्योंकि उसने अपने वर्जिन ईयरली सीपीआर को सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ रैली दे रहा है। सो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग IT सेक्टर में कर रहे हो, सो देर इज क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी कि IT इंडेक्स जो है वो 46,700 के आसपास के हाइस को एक्सपीरियंस कर ले, यानी या फिर अपने ईयरली R3 तक भी पहुंच सकता है
आईटी का सेक्टर दैट कैन गो ऑल द वे अप टू 50,000 के लेवल्स तक। एक बार हम लोग सीएनएक्स ऑटो का और एफएमजीसी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। दिस इज हाउ यू शुड बी इन्वेस्टिंग। अगर आप आईटी के स्टॉक्स लेना चाहते हो तो आपको देखना है कि आप टीसीएस इंफोसिस में तब पोजीशंस बनाइए जब ये सारे स्टॉक्स का जो इंडाइसेस है वो अपने ईयरली सीपीआर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर एक मैसिव बूम में चल रहा है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई कॉल मोमेंटम ट्रेडिंग। यहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, मोमेंटम ट्रेड्स लेते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स लेते हैं जब भी कैमरिला H4 के ऊपर एक हाई मोमेंटम के साथ स्टॉक्स सस्टेन करे। सो राइट नाउ इट इज द बेस्ट स्विंग ट्रेड्स। अगर आपके प्ले आउट करने की प्रोबेबिलिटी और विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो वो ऑटो सेक्टर में होगी। एंड दैट्स व्हाई देखोगे आप ऑलमोस्ट मिड ईयर लास्ट जून जुलाई से लेकर के आज तक ऑटो सेक्टर हैज बीन इन एन अप ट्रेंड, इन अ सुप्रीम अप ट्रेंड। बेसिकली देखोगे पॉइंट के गेन्स के मामले में ऑलमोस्ट अराउंड 96-70% रिटर्न इंडाइसेस ने दी है और उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स ऑब्वियसली हैज सीन अ मैसिव मूव। उसी के साथ साथ सीएनएक्स पीएसयू बैंक दे सकते हैं या फिर फार्मा। आई थिंक फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फार्मा सेक्टर में भी आप देखोगे कैमरिला H4 का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड द बेस्ट टाइम टू यू नो इन्वेस्ट इन टू फार्मा सेक्टर वॉज दिस पर्टिकुलर सपोर्ट फ्रॉम द वर्जिन सीपीआर। सो ये जो वर्जिन सीपीआर है 2021 का फार्मा सेक्टर में जो साइडवेज मोमेंटम था, इस साइडवेज मोमेंटम का कंसोलिडेशन फेज का फार्मा सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स हो या सिप्ला हो या फिर जाइडस लाइफ हो या फिर कोई बहुत सारे फार्मा सेक्टर के इंडाइसेस में वेटेज देख लीजिए एनएससी पे जाके। अगर उनमें इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू लुक एट द इंडाइसेस ऑन अ ब्रॉडर सेंस। और जब भी इंडाइसेस एक मैसिव सपोर्ट से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, दैट्स द टाइम टू प्ले आउट योर स्विंग ट्रेड पोजीशंस इनटू द हाईएस्ट वेटेज स्टॉक्स। तो अगले वीडियो में व्हाट आई विल डू इज कि ये जो सिनेरियोज है जिसमें हम इंडाइसेस का एनालिसिस करके वी आर टेकिंग पोजीशंस इन द अंडरलाइन स्टॉक्स जो हाईएस्ट वेटेज स्टॉक्स है उसका एक यू नो वी विल डू इंटीग्रेशन ऑफ बोथ एंड सी इफ दैट स्ट्रेटेजी एक्चुअली वर्क्स। कि आप तब स्विंग ट्रेड लीजिए आपके फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में या आईटी या ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में जब उसका जो इंडाइसेस है, जो पेरेंट है, जो फादर है, दैट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द ईयरली सीपीआर और जब वो ब्रेकआउट लेता है कैमरिला H4 का विद हाई मोमेंटम। सो दैट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अगेन दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर इंटरडे ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स, उनके लिए एनालिसिस ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट ऑल स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये पर्सपेक्टिव आपको कंसीडर करना बहुत एसेंशियल है, इसलिए वीडियो मैंने क्रिएट किया था सो दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट दी इंडाइसेस ऑन अ ब्रॉडर लेवल ऑन अ ईयरली सीपीआर एंड ईयरली कैमरा लेवल टू अंडरस्टैंड इफ योर स्विंग पोजीशंस हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और नॉट। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ये जो एनालिसिस का पैटर्न है वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार जरूर दीजिए। बहुत सारे लोग यू नो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन अगेन फॉर गेटिंग सच यू नो प्रीमियम कंटेंट ऑन यूट्यूब ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।